नमस्कार, मैं हूँ साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। राज्यपाल ने शिक्षा विभाग पर लगाए कई आरोप। 9वीं और 11वीं के फेल छात्रों की स्पेशल क्लासेस के समय में बदलाव। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित। आरजेडी ने 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने रचा इतिहास। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्यपाल ने शिक्षा विभाग पर लगाए कई आरोप। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी। इसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को भी बुलाया गया था, लेकिन वो इस बैठक में नहीं पहुंचे। इसके बाद राज्यपाल ने शिक्षा विभाग पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय के कार्यों में शिक्षा विभाग बाधा डाल रहा है। राज्यपाल ने यह भी कहा है कि बीते एक साल में यूनिवर्सिटी में परीक्षा को समय पर करवाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उच्च शिक्षा को बाधित कर रहे हैं और साथ ही यूनिवर्सिटी के अन्य काम में भी बाधा डाल रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। ये दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इस दिन मां ब्रह्मचारी की पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि के दौरान भक्त मां की पूजा करते हैं और उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। मां का दूसरे रूप 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति होती है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ मां की पूजा होती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या होता है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली से है। इसका मतलब तप और आचरण करने वाली से है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। 9वीं और 11वीं के फेल छात्रों के स्पेशल क्लासेस के समय में बदलाव। 9वीं और 11वीं के फेल छात्रों की स्पेशल क्लासेस के समय में बदलाव किया जा रहा है। बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा फेल छात्रों के लिए स्पेशल क्लासेस का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि स्पेशल क्लासेस का समय पहले 10 से 12 बजे तक आयोजित था, लेकिन अब इसे सुबह के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कर दिया गया है। बताया जाता है कि तेज धूप को देखते हुए ये फैसला लिया है शिक्षा विभाग के द्वारा। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और साथ ही इस बात की जानकारी दी गई है। वहीं वार्षिक परीक्षा 2024 में कक्षा 9वीं और 11वीं के अन्य उत्तीर्ण छात्राओं के भी विशेष वर्ग संचालन में आने पर उन्हें भी विशेष कक्षा में शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार गर्मियों की छुट्टी में भी कंप्यूटर का स्पेशल क्लासेस चलाया जाएगा। बिहार के वकीलों के लिए पेंशन योजना को लेकर अहम बैठक। बिहार के वकीलों के लिए पेंशन योजना को लेकर अहम बैठक होगी। करीब 1.25 लाख वकीलों के फायदे को देखते हुए बिहार स्टेट बार काउंसिल ने 21 अप्रैल 2024 को एक बैठक का आयोजन किया है। एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट के सभागार में बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में बिहार के सभी वकील संघों के अध्यक्ष और महासचिव को बुलाया गया है। काउंसिल की ओर से यूनिफॉर्म मॉडल नियमों में संशोधन करने का एक प्रस्ताव लाया गया है और उसमें वकीलों के लिए पेंशन योजना लाने की बात कही गई और इसके साथ ही बीमा और मेडिक्लेम योजनाओं को भी शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। पेंशन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की बात कही गई है। आरजेडी ने 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आरजेडी ने 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। राजद के लोकसभा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। बताया गया है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की स्वीकृति के बाद उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। इस लिस्ट में लालू यादव की बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य का नाम शामिल है। राजद ने गया से कुमार सर्वजीत पासवान को प्रत्याशी बनाया है। नवादा से श्रवण कुमार कुशवाहा, सारण से रोहिणी आचार्य, जमुई से अर्चना रविदास, बांका से जयप्रकाश यादव, पूर्णिया से बीमा भारती, दरभंगा से ललित यादव, बक्सर से सुधाकर सिंह, सुपौल से चंद्रहास चौपाल, पाटलिपुत्र से मीसा भारती, वैशाली से विजय कुमार शुक्ला, औरंगाबाद से विजय कुमार कुशवाहा, हाजीपुर से शिवचंद्र राम, अररिया से सहनवाज आलम, जहानाबाद से डॉक्टर सुरेंद्र पासवान, मुंगेर से अनीता देवी महतो, उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता, सीतामढ़ी से अर्जुन कुमार राय, मधुबनी से अलू अशरफ फातमी, वाल्मीकिनगर से दीपक यादव, शिवहर से रितु जायसवाल, मधेपुरा से कुमार चंद्र प्रदीप राजद के लोकसभा प्रत्याशी है। धोखेबाजी करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब।
करोड़ों की धोखेबाजी करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस संदीप कुमार ने बिल्डरों के खिलाफ पटना के थानों में दर्जनों दर्ज एफआईआर की जांच की जिम्मेदारी प्रदेश के आर्थिक अपराध इकाई को नहीं सौंपने के मामले में सरकार को तलब किया है और अब इस मामले में 29 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। प्रीति सौरा सहित 22 फ्लैट खरीदारों की रिट याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश दिया। राज्य सरकार को कोर्ट ने तलब किया है। नवादा में 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। बिहार के नवादा जिले में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया और 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। यहां जिले के वारिसलीगंज प्रखंड क्षेत्र के सवैया गांव के बधार में गेहूं की फसल में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। ग्रामीण के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना के बाद किसानों ने मुआवजे की मांग की है। बताया जा रहा है कि कई किसानों की फसल जलकर खाक हो गई, इसमें उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं बोरिंग पंप के माध्यम से ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। इस मामले में सीओ की ओर से कहा गया है कि ये सूचना सामने आई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का किया खुलासा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा किया। इन्हें जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के पैगम्बरपुर गांव से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, कई बैंकों के एटीएम कार्ड, चेकबुक और वेलकम किट को बरामद किया। पुलिस ने पहले आयुष कुमार उर्फ रुद्र, रवि रोशन, निशांत कुमार और हिमांशु कुमार को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया था। इसके बाद इनके निशानदेही पर रोशन कुमार, निहल कुमार, सम्मी कुमार, मुरारी कुमार, नवीन कुमार, शिवम कुमार और राजकुमार नाम के साइबर शातिर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इन सभी के पास से मोबाइल फोन, विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और ठगी के पैसों के लेन देन के हिसाब की कॉपी और कॉपी में लिखे कई खाता धारकों के नाम से चिपका हुआ सिम कार्ड को जब्त किया गया है। मुकेश सहनी ने अपने प्रत्याशियों के नाम किए तय। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए। मालूम हो कि मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं और उसके बाद इन्हें आरजेडी कोटे की 3 सीट पूर्वी चंपारण, झंझारपुर और गोपालगंज दी गई है। इन सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। चल रही मीडिया खबरों के अनुसार झंझारपुर लोकसभा सीट पर गुलाब यादव का टिकट कंफर्म हो चुका है। गुलाब यादव आरजेडी के विधायक भी रह चुके हैं, वहीं इनकी पत्नी अंबिका यादव फिलहाल एमएलसी है। गोपालगंज की लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद अनिल कुमार का नाम चर्चाओं में है। ये जदयू कोटे से मंत्री सुनील कुमार के भाई है। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से पप्पू द्विवेदी, देवा गुप्ता, गुप्पू राय, राजेश कुशवाहा का नाम चर्चाओं में है। वहीं मुकेश सहनी जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यों का श्रेय लेने पर जदयू विपक्ष को देगा जवाब। सीएम नीतीश कुमार के कार्यों का श्रेय लेने पर जदयू विपक्ष को जवाब देगा। जदयू ने विपक्ष पर मुख्यमंत्री के कार्यों का श्रेय लेने का आरोप लगाया है, साथ ही इसका जवाब देने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव समिति की बैठक में ये फैसला लिया है और इससे संबंधित दिशा निर्देश को जदयू के द्वारा जारी किया गया है। ये फैसला लिया गया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। बिहार के 40 में से 40 सीटों पर एनडीए की जीत के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। फैसला लिया गया है कि चुनाव अभियान का मुख्य फोकस ग्रामीण और गरीब लोगों पर होगा। इसमें यह भी बात कही गई है कि महिला सशक्तिकरण, अति पिछड़ों, अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानीय निकाय पर किए गए कार्य मील का पत्थर साबित होंगे। इस कारण पार्टी के नेता इन मुद्दों पर जनता के बीच जाकर चर्चा करेंगे। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए वीडियो आया सामने। चुनावी भागदौड़ के बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी का एक वीडियो सामने आया है। ये दोनों हेलीकॉप्टर में मछली और रोटी खाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनावी भागदौड़ के बीच खाने और पीने का समय नहीं मिल पाता है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर में ही 10 से 15 मिनट बैठकर खाना खाते हैं। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने साथ में खाना खाया। इस वीडियो में मुकेश सहनी बताते हुए नजर आ रहे कि ये चचेरा मछली है, ये कोसी और मिथिलांचल में मिलती है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली की मांग। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्णिया लोकसभा सीट पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली की मांग की जा रही है। आरजेडी नेतृत्व की ओर से पूर्णिया में पार्टी के उम्मीदवार बीमा भारती के समर्थन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त रैली की मांग की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार आरजेडी के द्वारा कांग्रेस के आलाकमान को यह प्रस्ताव दिया गया है। बताया जा रहा है कि इससे महागठबंधन एकजुट हो जाएगा। हालांकि अभी कांग्रेस की ओर से इसे लेकर कोई भी बयान नहीं दिया गया है। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव की ओर से निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण कांग्रेस असमंजस में है। प्रशांत किशोर ने दिया बयान, बिहार में जमीन में लोगों को जनसुराज की दिख रही ताकत।
पटना में जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अभी सरकार को बदले 1.5 से 2 महीने ही हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि बिहार से दिल्ली तक नेताओं में छटपटाहट होने लगी है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बिहार में जमीन में लोगों को जनसुराज की ताकत दिख रही है। मुझे अगर कोई धंधेबाज कह रहा है तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हाँ, मैं इस बार बिहार के लोग और बिहार को सुधारने के लिए काम लिया हूं और हम बिहार इस बार जनता का ठेका लेकर आए हैं ताकि जनता के लिए काम कर सके। अभी तर्कस में कई बार बाकी है। बीमा भारती ने विधायक के पद से दिया इस्तीफा। पूर्णिया की लोकसभा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी बीमा भारती ने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया। ये पूर्णिया के रुपौली से जनता दल यूनाइटेड के विधायक रह चुके और राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल बीमा भारती के इस्तीफे को चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है। विधानसभा सचिवालय से इससे संबंधित सूचना को भी जारी कर दिया गया और इसके बाद अब रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। मालूम हो कि कुछ दिन पहले बीमा भारती ने जदयू की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया था और इसके बाद उन्हें राजद ने पूर्णिया लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। सनराइजर्स हैदराबाद की तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने रचा इतिहास। सनराइजर्स हैदराबाद की तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने इतिहास रच दिया है। इन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ शिखर धवन को आउट कर दिया और ये आईपीएल के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने विकेट स्ट्रिपिंग के माध्यम से 2 विकेट हासिल किए। मालूम हो कि सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2024 के मुकाबले में पंजाब किंग्स को 2 रनों से मात दे दी है और इसमें भुवनेश्वर कुमार ने खास भूमिका निभाई है। साथ ही इन्होंने तेज गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा ये आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। आपके अनुसार क्या तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी होनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, सादुल्ला पालवी, रवि कुमार राम, नौशाद राजा, रंजीत मिश्रा, राजेश समांची, गुनर शर्मा, मोहम्मद शकीर हुसैन, मोहम्मद अरमान, अशोक कुमार जायसवाल, राजेश मिश्रा, पवन सिंह, कुलदीप कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, आपके अनुसार महागठबंधन में मुकेश सहनी के जुड़ने से क्या विपक्ष के इस गठबंधन को फायदा होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।